रंगों के फेस्टिवल होली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स, चलिए आपको बताते हैं खुद उन्हीं की जुबान। एक्चुअली होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। सोनाक्षी सिन्हा को होली है सबसे प्यारी। बाकायदा प्लानिंग और जोश के साथ सोनाक्षी एंजॉय करती है होली की मस्ती को। मैं पिछले 3 साल से ज्यादा मना नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं शूट पे होती हूँ, बट हाँ जब भी यू नो आई ट्राई एंड प्ले विदाउट कलर्स, पानी वाटर होली इज ऑल्सो फन, बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ। मलाइका अरोरा खान को होली मनाने का वैसे तो कुछ खास शौक नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के संग मलाइका थोड़ी बहुत मस्ती कर ही लेती हैं। I don't really play Holi because I don't really like colors and stuff, but our kids play. So I just like to say, play. If you're playing, make sure you avoid colors, and if you do use, then use organic safe colors. अमृता राव तो इस साल वृंदावन में ब्रज की फेमस होली देखने के लिए हैं सुपर एक्साइटेड। होपफुली मैं इस होली वृंदावन ब्रज में जा रही हूँ, होपफुली। एंड ब्रज की होली के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो उम्मीद करती हूँ कि इस साल वहाँ होली देखने का मौका मिले। लॉन्ग टाइम नो सी कोएना मित्रा को भी होली से है परहेज। कलकत्ता में लोग जैसे कि फुटबॉल लेके पागल हैं, खाना लेके पागल हैं, होली लेके वो हर चीज लेके सेलिब्रेट करते पागल हो जाते हैं। होली भी ऐसा ही होता है कलकत्ता में, मैडनेस। और अल्टीमेटली वो रसगुल्ले का रस से लेके कीचड़ लेके कुछ भी यूज करने लगते हैं, जब यू नो एक अलग लेवल तक पहुंच जाता है। हर साल नए नए बहाने बनाकर कोएना होली सेलिब्रेशन से खुद को कैसे बचाती है, आप भी सुनिए। मुझे होली देखना बहुत पसंद है, बट मुझे पार्टिसिपेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी सोसाइटी के भी यू नो क्यूट लिटिल किड्स दे कम, तो मैं अपने पेट्स का बहाना बना के, डॉगीज का बहाना बना के कि ये बहुत डर जाएंगे पता है, तो इनका बहाना बना के मैं चुपचाप से घर पे रहती हूं। होली की सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि हैव अ ग्रेट एंड हैप्पी होली। वहीं सोनू सूद ने रिवील किया कि वो बचपन में जमकर होली सेलिब्रेट करने के बाद अब रंगों से दूरी बनाकर रखते हैं। मैं पहले बचपन में बहुत होली मनाता हूं, अभी मैं थोड़ा घबराता हूं रंगों से। इच्छा होती है यार क्यों रंगे, फिर वापस पूरा प्रोसेस शुरू हो, बट फिर भी आई थिंक सेफ होली यू नो अच्छे सूखे रंगों से खेली जाए तो आई थिंक थोड़ा वक्त बिताया जा सकता है। तो कुछ यूं मस्ती करते और डरते छुपते आपके फेवरेट बी टाउनर्स सेलिब्रेट करेंगे इस साल की रंग बिरंगी होली। हियर्स विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। हियर्स विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी होली, बी सेफ। कोई भी ऐसा काम मत करें जिसके कारण ये यू नो जो खुशियों का त्यौहार है वो अच्छा ना रहे। सो हैव अ ग्रेट होली। मैं आप सबको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। होली की शुभकामनाएं सबको। हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। फेस्टिवल हो और बॉलीवुड सेलेब्स पीछे रह जाएं, भला ये कैसे हो सकता है? आइए आपको दिखाते हैं कैसे और कौन कौन से बीच आउनर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं रंगों के इस त्योहार को। हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। हैप्पी होली। होली में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही अच्छी और बहुत गर्मी होली खेले। सुशांत सिंह राजपूत को पसंद है नॉटी होली। इन जनाब ने खुद ही कन्फेस किया कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते हैं गंदी वाली होली। सभी त्योहारों में सबसे करीब जो मेरे हैं वो होली है, और मैं बहुत ही गंदी होली खेलता हूँ, मैं बहुत ही दिल्ली वाली होली खेलता हूँ। तो मेरे बहुत ही गैंग ऑफ फ्रेंड्स हैं और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं हम कहाँ पे इस बार कहाँ जाएँ और कितनी ज़्यादा गंदी होली खेल सकें। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शेखर सुमन का होली सेलिब्रेशन होता है क्वाइट स्पिरिचुअल, क्या अनोखा करते हैं वो होली में? लेट्स हियर हिम आउट। मैं होली अंदरूनी तरीके से मनाता हूँ, मेरे अंदर के जो भाव हैं, जो रंग हैं, मैं उसी से रंग जाता हूँ। होली
क्या है, ज़्यादा तब मज़ा आता है जब आप छोटे होते हैं, एक उम्र के बाद ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि आप हुड़दंगबाजी करें या रंग में रंगें या रंग पोते हैं दूसरे पे। हाँ, थोड़ा सा अबीर लगा लिया, थोड़ा सा रंग लगा लिया, सही है। इमरान खान तो इस साल होली को लेकर है बेहद एक्साइटेड, और हो भी क्यों ना, आखिर उनकी बेटी इमारा की ये पहली होली जो है। सेलिब्रिटीज के होली सेलिब्रेशन के बारे में तो आपने देख लिया, लेकिन अब बारी है होली की असली मस्ती की, जहां स्मॉल स्क्रीन के ढेरों स्टार्स एक साथ रंगों के इस पर्व को धूमधाम से खुशी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहते हैं कि आपको ये कलरफुल होली सेलिब्रेशन पसंद आया होगा, और आप भी यूं ही केयरफुली लेकिन दिल खोल कर होली को एंजॉय करेंगे। Here's wishing you all a very happy and safe होली। Not only the queen of Bollywood, but she also rules over the world of brand endorsements. Pichle saal, Kat ne kareeban 20 brands ko endorse kiya, ranging from soft beverage brands to jewelry to cosmetic lines. Kat ko ek prestigious advertising award event ke dauran, brand endorser of the year female ka khitab bhi mila. Khan and Begum Kareena Kapoor Khan have been taking a keen interest in the renovation of their ancestral Pataudi Palace. Aur renovation ka kaam zor shor se chal raha hai. If all goes as planned, then Saif and Kareena might spend their third wedding anniversary in the palace. In fact, that might be the first celebration in the newly redesigned place. जब एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान काजोल से पूछा गया whether she would like to work with Shah Rukh Khan or not, she said, "It's always been fantastic working with Shah Rukh. There's a certain comfort level with him and I cannot work with people who I'm not comfortable with. So I hope we work soon. Let's see." Rohit Shetty is not a part of any social networking site. लेकिन recently उन्हें पता चला कि कोई उनका fake profile बनाकर उनके fans से interact कर रहा है. This imposter is also sending messages to his B-town friends. Rohit will take action very soon. Riteish Deshmukh will most likely be a part of Housefull 3, जिसमें अभिषेक बच्चन और जॉन एब्राहम भी फीचर कर रहे हैं. लेकिन रितेश, who has always been comfortable sharing screen space with other actors, has apparently made it clear that he wants his role in the film to be as meaty and important as that of John's and Abhishek's. In Bombay Velvet, Ranbir Kapoor and Anushka Sharma are playing two characters who are madly in love with each other. Aur sources ki mane to inki on-screen chemistry kaafi sizzling hai. Sunne mein aaya hai ki Ranbir and Anushka will share an intense lip lock scene in the film too. Amy Jackson, who will be featuring in Akshay Kumar starrer film Sing Is Bling, was apparently the first choice for Salman Khan starrer Kick. Lekin Amy is offer ko accept nahi kar pai, as she had given her dates to Shankar for I. Amy ke baad, Jacqueline Fernandez was approached for the role. Abraham is following the footsteps of Hrithik Roshan, who had helped his mother Pinky Roshan to get fitter. John in dino apne trainers ke saath mummy Abraham ki fitness training mein jut gaye hain. John says, "My mother used to be a sports enthusiast during her college days. I want people of every generation to believe that they can achieve their reasonable fitness targets."
विद्या बालन ने हाल ही में उनकी फिल्म हमारी अधूरी कहानी की शूटिंग रैप अप की एंड नाउ शी प्लान्स टू हेड टू इटली टू टेक अ लॉन्ग वेकेशन। विद्या इस वेकेशन पर अकेले जाना चाहती है एंड शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर द होल कंट्री। एक जलगांव बेस्ड पेंटर अदिति राव हैदरी के बहुत बड़े फैन हैं एंड ही रिसेंटली पेंटेड हर ऑन अ कैनवस एंड गिफ्टेड हर द पेंटिंग। इस थॉटफुल गिफ्ट को पाकर अदिति काफी टच्ड हुई। दिस पेंटर इज आल्सो अ फैन ऑफ बिग बी और उन्हें भी कई पेंटिंग्स इन्होंने गिफ्ट के तौर पर दी हैं। जवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। Yeah.
तेरा